पोपट हो गया भाई, भाई सच में पोपट हो गया इतना। So, hey guys, welcome you all in my today's vlog. और आज day 15 है मेरे 130 days challenge का और अभी बज रहा है 6:15 और मैं रेडी हूँ अपने ग्राउंड जाने के लिए। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे ग्राउंड में। अभी के लिए बाय बाय, गुड गुड नाइट। नहीं भाई पता नहीं कहाँ बोल गई। सो अभी मैं ग्राउंड में हूँ और अभी थोड़ा सा वॉक कर ले रहा हूँ, तो वॉक करने के बाद मैं अपना रनिंग स्टार्ट करूँगा। सो आई एम डन विथ माई रनिंग और आज मैंने लगभग 4.5 किलोमीटर रन की है 25 मिनट में। एक्चुअली मैं 5 किलोमीटर रन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आज मेरा दूसरा दिन था उस प्रैक्टिस का। तो आज एक्चुअली स्पीड रन था, तो मैंने थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखा। बाकी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे मेडिटेशन के टाइम। अभी के लिए बाय बाय। तो आई एम डन विथ माई मेडिटेशन एंड रनिंग। तो अब मैं जा रहा हूँ घर और घर जाकर करता हूँ डे की प्लानिंग। तो मिलता हूँ मैं आपसे घर पे। अभी के लिए बाय। सो अभी बज रहा है 9:45 एंड आई एम रेडी विथ माई डे प्लान। सो लेट मी शो यू टू दैट व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोना डू टुडे। सो आज का मेरा डे प्लान ये है कि आज है 3 अगस्त 2022 और वेडनेसडे। तो अभी हो रहा है 9:45, तो 9:45 से 10:30 बजे तक मैं हल्का 15 या 20 मिनट्स की बुक रीडिंग करूँगा और फिर उसके बाद यूट्यूब वीडियो अपलोड करूँगा और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा अपना ब्रेकफास्ट करने और थोड़ा रिलैक्स करने। 11:30 से 1:30 बजे तक मैं अपने परसेंटेजेस के जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 थे उसके क्वेश्चंस के नोट्स बनाऊंगा, वैसे क्वेश्चंस जो मेरे से 3 मिनट में नहीं बने थे। और फिर मैं 2 से 3:30 बजे तक मैं रेशियो को प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि कल मैंने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया था, तो आज मैं रेशियो को प्रैक्टिस करूँगा। 3:30 से 4:30 बजे तक फिर मैं लंच करूँगा और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा। फिर 4:30 से 6:30 बजे तक मैं यूट्यूब वीडियोस की एडिटिंग करूंगा और फिर 7:30 से 9:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास करूंगा, क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का डे अपने बुक रीडिंग के साथ। तो मिलता हूं मैं आपसे बुक रीडिंग के बाद। अभी 12:30 हो रहा है और अब जाकर मैं बैठ रहा हूं पढ़ने। हाँ पता है थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आज आराम कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं। कोई बात नहीं, तो अभी 12:30 बजे से बैठ के पढ़ता हूँ मैं और अपना जो भी टास्क है उसको पूरा करता हूँ। तो अभी 4 बज रहा है और मेरा हो गया है थोड़ा सा पोपट। पोपट यूँ हुआ है कि 4 बज रहे थे तो मैं अभी पढ़ाई करके और छोटे मोटे कुछ काम थे वो करके उठा, बहुत तेज़ भूख लगी थी, अभी लंच का टाइम था मेरा, तो मैंने सोचा कि मम्मी ने कुछ बनाया होगा मेरे लिए, तो मैं फटाफट किचन में आया थी। तो किचन में आया तो ये देखा मैंने कुकर रखी हुई है और एक कढ़ाई रखी हुई है, तो मैंने सोचा इसमें चावल बनाऊंगा और इसमें सब्जी होगी। तो मैंने मस्त कुकर उठा के देखा कि अरे यार चलो गर्म गर्म चावल खाना है, तो मैंने लो हो गया पोपट। कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है खाने को, बस इसमें ना सिर्फ साग बनी हुई है, ये थोड़ी सी साग है। नया सब्जी बनने वाली थी, सब्जी नहीं बना, चावल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो हो सकता है मम्मी ने बनाया होगा, चावल नहीं बनाया होगा रोटी बनाया होगा, वो मम्मी ने फ्रिज में रख दिया होगा। तो अब मैं आया फ्रिज की ओर, फ्रिज खोल कर देखा मैंने भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पोपट हो गया भाई। भाई सच में पोपट हो गया, इतना तेज़ भूख लगी है मुझे, इतनी तेज़ भूख लगी है और मैं उठ के गया एकदम बिल्कुल, वो होता है ना कि क्रेविंग के साथ कि चलो कुछ खाता हूँ, अभी भूख बहुत ज़ोर से लगी है, हल्का हेड पेन भी हो रहा है, लो हो गया पोपट। चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ कुछ अपने लिए बनाता हूँ अभी फटाफट और फिर खाने के बाद मैं अपने आगे टास्क की ओर बढ़ता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, फिलहाल के लिए अभी भूखा रहना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। सो
आज मेरा दिन पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सही नहीं रहा, लेकिन बाकी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सही रहा। जैसे आज मैंने ये सीखा कि YouTube एनालिटिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, आज मैंने ये जाना कि वीडियो में स्टोरी टेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई एम श्योर कि अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई चीज़ छूट रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके साथ बनी रहेगी। जैसे मेरे केस में आज मेरा पढ़ाई छूटा तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा सीख लिया। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आप प्लान करोगे चीज़ों को, ज़रूरी नहीं कि आप अचीव कर लो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप ना अचीव करो। आप हो सकता है, क्योंकि मेरे पिछले दिन में जितने भी मैंने टास्क है मैंने सारे अचीव कर लिए थे, और आज उसका ठीक उल्टा मैंने उतने टास्क अचीव नहीं किए। तो कोई बात नहीं, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आपको कभी करने का मन करेगा, कभी नहीं करने का मन करेगा, कभी आपकी चीज़ें फेवर में होगी, कभी आपकी चीज़ें नहीं फेवर में होगी। इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को कमेंट करके, लाइक करके वीडियो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चैनल को लाइक करिए, नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और मुझे बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के व्लॉग में एक नए चैलेंज के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नए टास्क के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है गाइस, और मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे और भीग चुका है वो। मम्मी डांटेगी।